आपको पक्का यकीन है मिस्टर? 200%। कैसे? मुझे शक हुआ। क्या शक हुआ? जो आपसे कहा हमने। फिर से बोलो। पास आइए। मेरे बीबी के साथ, मेरे बीबी के साथ किसी का चक्कर चल रहा है। किसी और के साथ आपकी बीबी का चक्कर चल रहा है या आपकी बीबी के साथ किसी और का चक्कर चल रहा है? मतलब कि किसी और ने आपकी बीबी को फंसाया है या आपकी बीबी ने किसी और को फंसाया है? नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। मतलब कि किसी और ने आपकी बीबी को फंसाया है? Oh no! हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो कौन है मिस्टर धुरेंद्र? किसी के पति या किसी का बेटा? जासूसी भाई, हर किसी का पति किसी न किसी का बेटा है ना। स्मार्ट बॉय। लेकिन मिस्टर धुरेंद्र, हर किसी का बेटा किसी का पति नहीं होता है। तुम पता लगाओ, जो तुम्हारी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है वो मैरिड है या अनमैरिड? नहीं नहीं सर, अगर वो मैरिड होता तो मेरे बीवी के पास क्यों आता? तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जिससे वो तुम्हारे बीवी के पीछे नहीं भागेगा। क्या? उस लड़के को ढूंढो, पकड़ो और किसी से शादी कर दो। Yes, coming. Wow. नमस्ते सर। अरे धुरेंद्र, और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? टूटे हुए बासी जलेबी की तरह मुरझाए हुए हो। बैठो बैठो बैठो। क्या बात है, बोलो। मुझे डिवोर्स चाहिए वकील साहब। तुम्हें डिवोर्स चाहिए? पर क्यों? आई एम सॉरी वकील साहब, मैं नहीं कह सकता आपको। नहीं बताओगे तो मैं कोर्ट केस करने के लिए क्या लिखूंगा? ठीक है, लिखिए। वो कुत्ता खरीदना चाहती है। कुत्ता खरीदना चाहती है ना, तो खरीद दीजिए। 10, 20, 50 खरीद दीजिए, इसमें गलती क्या है? रुकिए रुकिए रुकिए, आपको पता है वो कुत्ता क्यों खरीदना चाहती है? वो कुत्ता इसलिए खरीदना चाहती है कि जब मैं सुबह काम पर निकल जाता हूँ तो उसके कोई आगे पीछे घूमने वाला चाहिए मेरे जैसा।